मुझे तो भाई हमारे हुक्मरानों की समझ नहीं आ रही है। रोज हमारी किसी बहन का जिना हुआ होता है, रोज हमारी बहन के साथ किसी रेपिस्ट ने रेप किया होता है, खामोश बैठे हुए हैं सब। फलस्तीन तो बहुत दूर की बात है, इन लोगों ने नहीं उठना फलस्तीन के लिए। पीछे से हदायत नहीं है ना इनको, पीछे से इनकी तारें कोई और संभाल रहे हैं। हुक्मरानों की मेरी लिटरली उनकी मुझे समझ से बाहर है। जब दीन का निज़ाम आप कायम करेंगे ना दुनिया के अंदर, कौम के अंदर, अपने माहौल के अंदर, आप चेंज फील करेंगे कि हाँ अल्लाह ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है। अभी पिछले दिनों एक और खबर आई, आज आज के दिन की खबर है ये, लाहौर के जनरल हस्पताल के अंदर एक छोटी सी बच्ची के साथ रेपिस्ट ने, उधर ही हॉस्पिटल का कोई कोलीग था उनका, रेप कर दिया, छोड़ दिया। एहतजाज के लिए कौन निकला है? हमारी यूथ। हुक्मरान खामोश। एक आधी वीडियो वायरल हो जाएगी बच्चों की तो फिर हुक्मरान बोलेंगे कि हाँ ये बहुत गलत हुआ है। क्यों गलत हुआ है भाई, लटकाओ ना उसको फांसी पे, लटकाओ चौक पे, फांसी पे लटकाओ ऐसे लोगों को। जब तक हम ऐसे लोगों को बीच रोड के ऊपर फांसी पे नहीं लटकाएंगे, ये गुनाह ख़त्म नहीं होने वाला माशरे से। जब आते जाते लोग देखेंगे ना इसको कि भाई इसको लटका हुआ है, किस वजह से लटका, इसने जिना किया था लड़की के साथ, रेप किया था लड़की के साथ, फिर कौन करेगा वो गुनाह? सोचेगा भी नहीं कोई, कोई पूछने वाला ही नहीं है, तो रेट बढ़ता जा रहा है। हुक्मरानों ने नहीं सुनी ना तो आप खुद खड़े होइए अपने लिए, खुद खड़े होइए अपने लिए, अपने लोगों के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, अपने माँ बाप के लिए। रोज कोई ना कोई रेप का केस आ रहा है, रोज कोई ना कोई रेप का केस आ रहा है। पता नहीं हम लोग कहाँ जा रहे हैं, अपने टिकटॉक्स में पड़े हुए हैं हम लोग, अपने यूट्यूब रील्स में पड़े हुए हैं हम लोग, यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम रील्स, इसमें पड़े हुए हैं बस, कुछ पता नहीं है। रील आती है जी, इस बच्ची का जना हो गया, स्क्रोल अप, इसके घर जना हो गया, स्क्रोल अप, कोई लड़की डांस करती हुई नजर आती है तो 2-3 सेकेंड तो लाजमी उसके ऊपर है ना, फिर AI आपको दिखाती हुई चीज़ है और आप उस चीज़ में चलते जाते हो, देखते रहते हो, देखते रहते हो, टाइम वेस्ट, खत्म हो गई बात। फिर इस दिमाग ने कहाँ से नशोनुमा करनी है, इस दिमाग ने कहाँ से बड़ा होना है, फिर इस दिमाग में इस्लाम कहाँ से आएगा? तो आपने खुद लेकर आना है। कुछ हो रहा है, आवाज़ उठाओ अपने दीन के लिए, अपने अल्लाह के लिए, अपनी दुनिया के लिए, अपनी आखिरत के लिए आवाज़ उठाओ। वो बहन सिर्फ अपने माँ बाप की बहन भाइयों की बहन नहीं थी, वो किसी गैर की बहन नहीं थी, वो आपकी भी बहन थी। उस लड़की की जगह अपनी बहन को तसव्वुर करके देखिए, फिर आपको दर्द फील होगा, फिर इंसान उठेगा, फिर हुक्मरान जागेंगे, लेकिन नहीं जागते, खैर है।